हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं SJS वुमेंस वर्सेस UNR वुमेंस टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 12 आवर्स 33 मिनट्स है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो ये कल सुबह 8:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले पिच के बारे में बात करें तो ये पिच बैलेंसड पिच है दोस्तों, और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 100 से 110 का बीच में स्कोर बनेगा, और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों। इस दोनों अकाउंट में आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा, ये फेक अकाउंट भी है, जिसमें आपको 1172 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको वायलेट कलर का JA है दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन करना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। कबड्डी का टीम है दोस्तों, इसी तरह आपको क्रिकेट का फाइनल टीम मिलेगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम का नीचे मैं दो लिंक प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। एक है माई मास्टरमाइंड का लिंक, दूसरा है कुबेरा का। दोनों आप कमाल का है, दोनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, दोनों में 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों, माई मास्टरमाइंड भी कमाल का ऐप है। सो माई मास्टरमाइंड में 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। और दूसरा वाला दोस्तों कुबेरा के बारे में बात करें तो कुबेरा में आपको इसी तरह DUO का टीम मिलेगा। आपको इसमें 5 प्लेयर होंगे, 5 प्लेयर को एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना। मैं आपको इसी तरह एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। कुबेरा में भी आप 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐप कमाल का ऐप है दोस्तों, दोनों में लो कंपटीशन होगा दोस्तों। मैंने भी दोनों ऐप में मनी इजीली से अर्न करना, आपको भी मनी इजीली से अर्न करना, तो दोनों ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए लिंक से। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करें जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूंगा, एस दास को दोस्तों। एस दास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। आप एस दास को 100% पिक कर लीजिए। एस दास का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें, दास ने लास्ट मैच 56 बॉल पर 66 रन मारे दोस्तों। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने एस रॉय को पिक करूंगा, और एस दिव्यनाथ को, और पी पॉल को दोस्तों। पूरा मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन इंपॉर्टेंट होंगे, आप तीनों को 100% पिक कर लीजिए। तीनों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो एस रॉय के बारे में बात करें तो रॉय ने लास्ट मैच में इनको बैटिंग में तो चांस नहीं मिला दोस्तों, लेकिन बॉलिंग कमाल का किया है। 4 ओवर डाला था दोस्तों, 2 विकेट लिए। और एस दिव्यनाथ के बारे में बात करें तो दिव्यनाथ ने लास्ट मैच 36 बॉल्स पर 24 रन मारे हैं। और पी पॉल के बारे में बात करें तो पॉल ने लास्ट मैच में 1 गेंदों में 0 रन दोस्तों। लास्ट मुझे पॉल डॉकआउट हो गए दोस्तों, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, तीनों को 100% पिक कर लीजिए। मैंने तीनों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं एस अग्रवाल को पिक करूंगा, और एन दिव्यनाथ को, और पी दास को, और एस दास को। पूरा मैंने 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, चारों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स, आप चारों को 100% पिक कर लीजिए। चारों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो एस चक्रवात के बारे में बात करें तो चक्रवात ने लास्ट मैच में 17 गेंदों में 11 रन मारे दोस्तों, 3 ओवर डाल के 0 विकेट। लास्ट में चक्रवात को विकेट भी नहीं मिला, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर है। और यहाँ दिव्यनाथ के बारे में बात करें तो दिव्यनाथ ने लास्ट में 3 गेंदों में 0 रन दोस्तों, लास्ट में डकआउट हो गए हैं बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग कमाल का किया है। 4 ओवर डाला था और 3 विकेट लिए दिव्यनाथ ने। और पी दास के बारे में बात करें तो पी दास ने लास्ट मैच में 2 गेंदों में 1 रन मारे दोस्तों, 2 ओवर डाल के 0 विकेट। मैंने ऑलराउंडर में 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया था। और आर दास के बारे में बात करें तो एस दास के बारे में बात करें तो एस दास ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 0 विकेट दोस्तों। मैंने ऑलराउंडर में 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, चारों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स, आप चारों को 100% पिक कर लीजिए। मैंने चारों ऑलराउंडर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। आप बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने बॉलर्स में आर दास को पिक करूँगा, और एम दिव्यनाथ को,
और पी चक्रवात को दोस्तों। बॉलर्स में मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, आप तीनों को 100% पिक कर लीजिए। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो आर दास के बारे में बात करें तो आर दास ने लास्ट मैच 4 ओवर डाला था दोस्तों और 1 विकेट लिए हैं। और एम दिव्यनाथ के बारे में बात करें तो दिव्यनाथ ने लास्ट मैच 4 ओवर डाल के 1 ही विकेट लिया दोस्तों। और पी चक्रवात के बारे में बात करें तो चक्रवात ने लास्ट मैच 3 ओवर डाला था दोस्तों, 3 ओवर डाल के 0 विकेट। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, मैंने तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 1 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक किया, 11 प्लेयर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। ये 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा एक चक्रवात को, और वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो एस रॉय को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 1 विकेट कीपर को पिक किया एस दास को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, एस दिव्यनाथ, एस रॉय और पी पॉल को, और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, एम दिव्यनाथ, पी दास और एस दास और ए चक्रवात को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया, आर दास को और एम दिव्यनाथ को और पी चक्रवात को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।